शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कौन हो तुम? पूतना, जैसे आज तुम यहाँ आई हो वैसे ही देवताओं ने कई युगों से हमारे साथ छल करके हमें यहाँ बंदी बना के रखा है। तुम भी आज हमारे साथ आ गई पूतना। मैं यहाँ आई अवश्य हूँ, किंतु अधीन नहीं हूँ मैं। मैं तो तुम सबको यहाँ से मुक्त कराने आई हूँ। इस नरक कूप से तुम सबको मुक्त कराऊंगी मैं पूतना। और यदि तुम सब ने मेरा साथ दिया तो फिर ये पूतना का वचन है कि हम सब मिलकर इस संसार से उस लड्डू गोपाल को मिटा देंगे। लड्डू गोपाल, पूतना फिर एक बार वापस आएगी एक नई शक्ति के साथ, और इस बार पूतना तुम्हें मिटा कर रहेगी, और तुम पूतना को कभी नहीं रोक पाओगे, नहीं कर पाओगे तुम पूतना का अंत। इस बार पूतना तुम्हारे भक्तों के लिए ऐसा संकट बनेगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते लड्डू गोपाल। अद्भुत। दुख में सुमेरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमेरन करे तो दुख काहे को। अर्थात दुख आने पर तो हर मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, पर जो अपने सुख में भी भगवान की भक्ति करता है वही सच्चा भक्त है। और तुलसी, तुम तो सुख दुख से परे हर क्षण मेरी भक्ति में लीन रहती हो, अपना हर कर्म मुझे समर्पित कर देती हो, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह तो बहुत दैवीय है, इसलिए हमें उसे पूरे विधि विधान से करना होगा। तुम सच कह रही हो तुलसी, विवाह के लिए हमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, चुनरी, हल्दी, कुमकुम, इन सब की व्यवस्था करनी होगी। मौसी, उसके साथ साथ आपको भगवान शालिग्राम की बारात भी लेकर आनी होगी। बारात? शालिग्राम का बारात कैसे लेकर आएंगे तुलसी बिटिया? भगवान शालिग्राम अपनी बारात लेकर नहीं आएंगे, बल्कि हमारे गोरबा गांव में से ही उनकी ओर से कोई बारात लेकर आएगा। तो इसमें कौन सी एक बड़ी बात है तुलसी? अगर तुम लड़की वाली हो तो हम बन जाएंगे लड़के वाले। अरे, मेरे घर से निकलेगी भगवान शालिग्राम जी की बारात। ठीक है मौसी, फिर हम आपको मुहूर्त और हल्दी कुमकुम का न्योता अभी से देते हैं। तो बोलो भगवान शालिग्राम की जय, तुलसी माता की जय, लड्डू गोपाल की जय। अच्छा तुलसी, अब हम चलते हैं, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है, चलो भाई। लड्डू गोपाल, आपकी कृपा से एक बार फिर से पूरा गोरबा गांव भक्ति में डूब गया। तुलसी, तुम जिस शालिग्राम तुलसी विवाह की बात कर रही हो, भक्त के रूप में वो तुलसी जिसका दूसरा नाम वृंदा भी है, मुझे इतनी प्रिय है कि तुलसी दाल का एक पात्र भी अर्पित कर देने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। आज मैं और संपूर्ण संसार भी देवी तुलसी की महात्म्य कथा आपके मुख से सुनना चाहते हैं। हम ये जानने के लिए अत्यंत आतुर हैं कि क्यों आपको तुलसी दल इतना प्रिय है, और क्यों तुलसी इतनी शुद्ध है कि उसे जल में मिला देने से वो चरणामृत हो जाती है। देवी तुलसी और मेरा भक्ति भाव का संबंध जन्म जन्मांतर का है। देवी तुलसी मेरी गोपी थी, सखी थी, और आज तक भी मैं ये भूला नहीं हूँ कि कैसे उन्होंने
मेरा जीवन बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। एक भक्त ने भगवान की रक्षा की, कैसे प्रभु, कैसे घटी थी ये घटना? महादेव, मुझे आज भी स्मरण है वो क्षण जब मैं भंडीर वन में बांसुरी बजा रहा था और मेरे सभी सखा आनंद मग्न हो मेरी बांसुरी सुन रहे थे। मैं जानता हूं तुम्हारे पैरों के इस पद्म में तुम्हारा जीवन बसता है। आज इस पद्म को फेर कर तुम्हें और तुम्हारी समस्त लीलाओं को इस संसार से समाप्त कर दूंगा। जो कंस का कोई असुर नहीं कर पाया, शंखासुर ने उसे आज कर दिखाया। अब कोई नहीं बचा सकता कान्हा का जीवन समाप्त होने से। आप तो हमें देवी तुलसी की कथा सुना रहे थे, तो फिर ये देवी वृंदा कौन है और इनका देवी तुलसी से क्या संबंध? महादेव, देवी वृंदा ही आगे चलकर अपने कर्मों से पतित पावन तुलसी के नाम से प्रसिद्ध हुई, पर द्वापर काल में उनका नाम वृंदा ही था। प्रभु, वृंदा के तुलसी बनने की कथा सारा संसार जानना चाहता है। देवी वृंदा ने ऐसे कौन से कर्म किए थे? क्या आप संसार का कोई भी भोग बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करते? बताइए प्रभु, क्या कथा है देवी वृंदा की? महादेव, देवी वृंदा न केवल मेरे कृष्ण अवतार में मेरे साथ थी, अभी तो उनका वास मेरे गोलोक में भी था। गोलोक? फिर वो गोलोक से पृथ्वी लोक कैसे पहुंची प्रभु? और देवी वृंदा को आपकी लीला में सहभागी होने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? महादेव, ये उस समय की बात है जब देवी वृंदा मेरी अन्य गोपियों के साथ गोलोक में वास करती थी और सदैव मेरी भक्ति में लीन रहती थी। वृंदा कल है ना? वृंदा, वृंदा, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? श्री हरि के चरणों के अतिरिक्त और कहाँ ध्यान हो सकता है मेरा? पर देवी राधा कितनी सौभाग्यशाली है कि उन्हें साक्षात प्रभु श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। उन्हें उनके साथ एक ही झूले पर बैठने का सुअवसर प्राप्त होता है।
वृंदा, कहीं तुम देवी राधा का स्थान लेने के बारे में तो विचार नहीं कर रही हो ना? नहीं नहीं जया, कैसी बात कर रही हो तुम? कहां देवी राधा और कहां मैं? सच कहा, इसलिए कभी स्वप्न में भी देवी राधा के स्थान लेने के बारे में सोचना भी मत तुम। जया, गोपियों, भगवान कृष्ण आसन ग्रहण करने जा रहे हैं और देवी राधा का श्रृंगार भी पूर्ण होने वाला है और तुम दोनों अभी यहीं हो। चलो शीघ्रता करो, चलो प्रभु की आरती का समय हो गया है, चलो। मैं जानती हूँ कि देवी राधा का स्थान नहीं ले सकती मैं, पर बस एक बार, बस एक क्षण के लिए प्रभु के साथ उनके झूले पर स्थान प्राप्त करना चाहती हूँ मैं। महादेव, देवी वृंदा के मन में यह विचार कई बार आया, पर उस दिन वह अपनी इच्छा को पराजित नहीं कर पाई और फिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। देवी राधा ने घूंघट क्यों लिया है? ऐसा तो वो कभी नहीं करती। प्रणाम प्रभु। मकरन, ये केवल शंख की ध्वनि नहीं, अभी तो तुम्हारे भक्ति की ध्वनि है जिससे पूरा गोलक सदा भक्ति में ही हो जाता है। प्रभु, आपके इस पावन धाम गोलोक में आपकी भक्ति, उपासना और आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता है प्रभु। इसलिए मैं अपने मन के सारे भाव आपको अर्पित कर आपकी भक्ति करता हूँ। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि। प्रभु, ये कैसा अनर्थ है? आपके सानिध्य में देवी राधा नहीं है। मकरंद, देवी राधा तुम्हारे सम्मुख ही है, फिर तुम्हारे मन में ये कैसा संशय? नहीं प्रभु, मेरे मन के भाव कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ये देवी राधा के परिधान में कोई और है। तुम जो कोई भी हो, अपना वास्तविक रूप प्रकट करो, अन्यथा मैं अपनी भक्ति के तप से तुम्हें भस्म कर दूंगा। मकरंद, शांत हो जाओ, तुम्हारा ये संशय अभी दूर हो जाएगा। देवी, भक्त मकरंद का संशय दूर कीजिए। अपना परिचय दीजिए देवी। देवी, ये मेरा आपसे निवेदन है।
मैं बस एक क्षण के लिए आपका सानिध्य पाना चाहती थी प्रभु। वृंदा, तुमने अनर्थ किया है। देवी राधा का स्थान ग्रहण कर तुमने महापाप किया है। तुमने प्रभु का अपमान किया है, देवी राधा का अपमान किया है, मेरी भक्ति का अपमान किया है तुमने। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम जलकर भस्म हो जाओगी और धरती पर एक साधारण कन्या के रूप में जन्म लोगी, क्योंकि जल का स्थान केवल भूलोक में हो सकता है, गौलोक में नहीं। प्रभु, मैं तो केवल आपका सानिध्य पाना चाहती थी, देवी राधा की तरह आपकी भक्ति करना चाहती थी, और मेरी भक्ति का इतना कठोर दंड, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ प्रभु, पर आपकी भक्ति से दूर रहकर जीवित नहीं रह सकती प्रभु। वृंदा, मकरंद मेरे परम भक्त है, इसलिए उनका श्राप भी अवश्य फलित होगा, पर मैं जानता हूं कि तुमने जो भी किया मेरी भक्ति में किया, इसलिए मकरंद का श्राप तभी फलित होगा जब द्वापर काल में संसार में मेरा अवतार होने वाला होगा, और तब मेरे कृष्ण अवतार में तुम मेरी सखी बनोगी, गोपी के रूप में तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगी। प्रभु, मैं धन्य हो गई। प्रभु, मैं धन्य हो गई। मकरंद, तुमने एक भक्त की भावना को समझे बिना उसे दंड दिया है। तुमने एक असुर के समान मुझे मेरी भक्ति से दूर करने का प्रयास किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम गौलोक से निष्कासित होकर संसार में एक असुर के रूप में विचरण करोगे। प्रभु, बिना किसी अपराध के इतना बड़ा दंड, बिना किसी दोष के ऐसा श्राप? मकरंद, दोषी तो तुम हो, क्योंकि जैसे वृंदा के मन में छल का भाव आया, वैसे ही तुम में भक्ति का अहंकार आ गया था। तुम अपनी भक्ति और भक्ति पद्धति को भी सर्वोपरि मानने लगे। उसी अहंकार में तुम ये भूल गए कि हर भक्त के भाव के अनुसार उसकी भक्ति भिन्न होती है, इसलिए तुम्हें भी इस वृंदा के श्राप को भोगना होगा। महादेव, इस सृष्टि में कुछ भी अकारण नहीं घटता। इस घटना का भी एक उद्देश्य था, देवी वृंदा को मेरे कृष्ण अवतार में मेरी लीलाओं में सहायक बनना था, इसलिए उन्हें गोलोक त्याग कर पृथ्वी लोक पर जाना पड़ा। प्रभु, अब मुझे मिले श्राप के फलित होने का समय हो गया है, क्योंकि द्वापर काल आ चुका है, संसार में आपका कृष्ण अवतार होने वाला है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं जानती हूँ इस द्वापर काल में आपका कृष्ण अवतार हो चुका है, इसलिए इस वृंदा को आपकी प्रतीक्षा है प्रभु, आपकी भक्ति करने, सानिध्य पाने और आपकी सखी बनने के लिए
ये वृंदा प्रतीक्षारत है प्रभु, ये वृंदा प्रतीक्षारत है। बलराम, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस तुलसी बिटिया माता तुलसी को लेकर आती ही होंगी। पतित पावन माँ तुलसी की जय। शालिग्राम प्रिय माँ तुलसी की जय। माँ तुलसी की जय। माँ तुलसी की जय। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। हे तुलसी माता, आज हम आपका इस लड्डू गोपाल धाम पर विष्णु स्वरूप भगवान शालिग्राम से विवाह कराने जा रहे हैं। हमें सबसे पहले माता तुलसी का सत्कार पूजन करना होगा। तुलसी, माता तुलसी तो तुम्हारे घर में पधार चुकी है, अब ये बताओ कि हम भगवान शालिग्राम की बारात कब लेकर आए? मौसी, भगवान विष्णु ने देवी वृंदा को वरदान दिया था कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को सर्व सिद्धि योग मुहूर्त में वो शालिग्राम के रूप में माता तुलसी से विवाह करेंगी। पर तुलसी, शुक्ल पक्ष की एकादशी तो आज ही है ना? हाँ मौसी, पर शाम 6 बजे से सर्व सिद्धि योग मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है, फिर आप उस समय आप सभी गांव वालों के साथ भगवान शालिग्राम की बारात लेकर आइएगा। तुलसी, मैं पूरी तैयारी के साथ शालिग्राम जी की बारात लेकर आऊंगी। जी मौसी। अच्छा गोवर्धन, हमें तुलसी माता के विवाह का न्योता पूरे गांव में बंटवाना है, तो तुम निमंत्रण पत्रिका लेकर आए या भूल गए? भूल गया था। अच्छा वह तुमने याद दिला दिया, बस अभी लेके आया मैं। तुलसी, विवाह के पूर्व तुम हमें भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह की कथा भी सुना दो, ताकि हम पूरे विधि विधान से इनका विवाह कर सकें। बिल्कुल, आप सब लोग बैठ जाइए, हम आपको कथा सुनाते हैं विवाह की तैयारियां करते करते। प्रभु, इस संसार में भगवान शालिग्राम और देवी तुलसी के विवाह का अत्यंत महत्व है, जबकि आपके भक्त मकरंद के श्राप के कारण देवी वृंदा आपसे दूर हो गई। आपका वृंदा से पुनः मिलन कैसे हुआ प्रभु, और कैसे बनी वृंदा भगवान शालिग्राम की पत्नी तुलसी? देवी वृंदा ने प्रभु पर आने वाले सभी संकटों को दूर करने का प्रण ले लिया था। शंखासुर को खोजती हुई यमुना नदी के अंदर चली गई। वह जानती थी कि शंखासुर उन्हें अपने शंख के साथ वहीं मिलेगा। आज तुम कितना भी प्रयास कर लो, उससे बच नहीं पाओगे कान्हा। आज मैं तुम्हारा सर्वनाश करके ही जाऊंगा। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।